Let's balance it out. Do guys, take second. Okay. Hello, how are you? I'm good. How are you? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है? That's it. It's just us. Oh, they're doing it in batches. Kiss me. कैसे हो भाई? फर्स्टली मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस कतरोटी खिलाड़ी के लिए. थैंक यू थैंक यू. मेरा तो यही था कि वही जो मेरा एक फोबिया है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, उसको दूर करना. और मतलब यही है कि रोहित सर को निराश नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है. और बेटर एक जो मैं लिफ्ट से नहीं जा पाता हूँ, स्टेज से जा रहा हूँ, अब मैं लिफ्ट से जाना स्टार्ट करूँ और अकेले जाना स्टार्ट करूँ. तो बस यही है एक फोबिया जो मेरा है. और जो पिछले टाइम एक दो तीन कदम दूर रह गया था ट्रॉफी से, इस बार मैं ट्रॉफी लेके. मैं पर्सनली, मुझे पर्सनली चैलेंजेस बहुत पसंद है लाइफ में भी. आई लाइक डूइंग चैलेंजिंग थिंग्स एंड मेंटली, फिजिकली, मेंटली स्पेशली. तो इससे बड़ा चैलेंज और क्या हो सकता है? एंड इट्स बीन अ व्हाइल, द एड्रेनलिन जंकी इन मी हैज़ बीन स्लीपिंग. तो आई थॉट इट्स टाइम टू वेक, उठो भाई, जागो. सो लिटरली दैट. Me? Nothing. For the longest of time, I just wanted to get back to fitness. बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि because I was, when I was 17, 18, I was an athlete at that time. और उसके बाद सब छोड़ दिया था मैंने, सिर्फ जिम में जाके वेट्स उठाता था और कुछ नहीं. तो मैं आई जस्ट वॉन्टेड टू सैनिटाइज माई सिस्टम, क्लीन माई बॉडी, और वो हो नहीं पा रहा था उस लेवल तक. तो ये एक शो लिया तो ऐसा लगा कि ये मोटिवेशन इनफ है कि इसकी वजह से मैं वापस अपनी क्लीन लाइफ स्टाइल शुरू करूँ, सुबह जल्दी उठना शुरू करूँ, वर्कआउट शुरू करूँ, क्लीन ईटिंग, हेल्दी लिविंग. तो एक उस वजह से मैंने ये एक मोटिवेशन की तरह उठाया शो. क्या करें, अभी राइट से लेफ्ट जाए, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाए, अभी उल्टा जाता है. तो नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल वर्कआउट शुरू है. लेकिन मेरा मानना ये इस तरह का शो है जिसके लिए आप कितना भी प्रिपेयर करो, आई डोंट थिंक इट्स दैट यूजफुल. ये ऑन टाइम आपके सामने कौन सा स्टंट आने वाला है आप नहीं जानते. तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन ये हो सकता है कि आपकी बॉडी आपका साथ दे, इतना आप अपनी बॉडी को तैयार रखो. लेकिन वहाँ पे जो स्टंट आएगा वो टाइमिंग पे डिपेंडेंट होता है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है. तो आप कितनी भी स्ट्रैटेजी करके जाओ, कितना भी प्रिपेयर करके जाओ, वहाँ पे जो होना है वही होना है. आई अग्री. मतलब मेरे को सिंस 2011 आई बीन वर्किंग आउट और यू नो फिजिकल हेल्थ फिटनेस जर्नी. गाइस, भाई ये लाइट बंद हो गई लेकिन चेहरे दिख रहे हैं. यू नो फिजिकल फिटनेस जर्नी हो या एक रूटीन लाइफस्टाइल हो, बट ऑनेस्टली लाइक ही आल्सो सेड, जब स्टंट होता है ना, स्टंट अपनी जगह और आपकी लाइफ की प्रिपरेशन अपनी जगह. उस वक्त लिटरली प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ क्विक यू आर ऑन योर फीट, और खुद फियर से भी ज़्यादा इट्स लाइक खुद पे एक जो ट्रस्ट और एक जो फेथ होता है, इट्स अ लीप ऑफ फेथ in most of the stunts literally. नहीं, मैं agree नहीं कर रहा हूँ. क्योंकि आई थिंक अगर किसी को स्विमिंग आती है तो वो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता, वहाँ पे आपकी स्विमिंग काम, बॉडी हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो आपको, जैसे मुझे स्विमिंग नहीं आती है, तो अगर मेरे को बोल दिया तैरने के लिए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से तो मैं तैर नहीं सकता हूँ ना. बट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आप हाथ पैर चलाना शुरू कर दो. बट आप सर्वाइव उतनी देर तक नहीं कर पाओगे जितनी देर आप स्विमिंग के साथ. रोहित सर नहीं डूबने देंगे तुमको, डोंट वरी. बट आप गिव अप वाले जोन में तो आ जाओगे ना काफी वो करने के. तो आई थिंक वो जरूरी है. बट वही वो भी है कि आप मेंटली, मेरे को लगता है ये शो ज्यादा मेंटली प्रिपरेशन का है फिजिकल से ज्यादा.
और स्विमिंग प्लस पॉइंट आ जाता है क्योंकि पानी के स्टंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. और मैंने भी स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की बट मेरे को नहीं आई. पता नहीं क्यों इतने जल्दी लोग सीख लेते हैं, मेरे को तो नहीं आई. मैंने ज्वाइन की 24-25 दिनों के लिए. ग्लैड माँ बाप ने मुझे 3 साल की उम्र में स्विमिंग पूल में फेंक दिया था. मतलब यहाँ नॉर्थ इंडिया साइड, मतलब हमें पंजाब साइड नहीं सिखाते हैं जल्दी. ऐसी बात नहीं, मैं लखनऊ से हूँ, यूपी स्पोर्ट्स क्लब में. हमारे तो पंजाब में नहीं सिखाते हैं कुछ नहीं. तो मेरे ग्रैंडफादर ने गोमती नदी में सीखा था. तो मैं भी हमेशा पूल की जरूरत नहीं होती है सीखने के लिए. तो चलो यहाँ पे बिग बॉस स्टार्ट हो गया तो मैं बोल दूँ.